मैं आपको बताऊंगी ओट्स की रेसिपी इन थ्री डिफरेंट वेज इज वेरी इजी एंड क्विक टू मेक सो लेट गेट स्टादर चलिए बनाना शुरू करते हैं हम मिल्क ओट्स की इस रेसिपी को इसको बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन उसके अंदर डालेंगे हम हाफ कप ऑफ ओट्स हाफ कप ऑफ मिल्क Next, we are going to add is my half cup of water. Now we are going to switch on the gas and we are going to boil it for some two minutes. This is the mixture Mix mein boil, then you are just going to cook it for some 20 to 30 seconds more. Now we are going to transfer this mixture to the bowl. टिंग्स यहाँ पे मैं ले रही हूं हाफ बनाना आप इसमें कोई भी फ्रूट अपनी चॉइस का एड कर सकते हैं जैसे एप्पल जस्ट इज अमेजिंग इन दिल्क ओट्स अभी मैंगो का सीजन है यू कैन जस्ट स्टॉप इट अप विद दैंगोज एज वेल नाव वी आर गोइंग टू एड समीड्स टू इट यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से फ्लेक्स सीड्स नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एडिया इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे चॉप्ड नट्स मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से आलमंडस रेजन्स एंड सम मिक्स बेरीज मैंने यहाँ पे ब्लू ब्लू बेरीज और क्रैन बेरीज लिया है एंड आई एम गोइंग टू टॉप एट अप विथ सम इस पर हम ग्रिजिल करेंगे थोड़ा सा हनी हनी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर यूजिंग बनाना एज अ फ्रूट एंड दिस होल मील इज रेडी इन जिस नो टाइम दिस विल गिव यू ऑल देंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट यू नीड इन योर ब्रेकफास्ट सो एंजॉय दिस रेसिपी चलिए अब बनाते हैं हम अपने सेवरी ओट्स इसको बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक और हाफ कप ऑफ मिक्स वेजिटेबल्स यहाँ पे मैंने लिए हैं मशरूम रेड और येलो बेल पेपर एंड सम चॉप्ड अनियंस आपको जो वेजिटेबल्स अच्छी लगती है यू कैन चूज योर ओन वेजिटेबल्स हमको यहाँ पे वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है लिटिल बेट एड स्पिनच टू दिस एंड इट फॉर वॉयल एड हाफ कप ऑफ ओट्स टू इट एंड Give it a good mix. After that, we one cup of water, half cup of oats, and one cup of water gives the best consistency to the oats. Just give it a good mix. boil, we are going to add some salt, black pepper powder, and some pizza seasoning. अगर आपके पास आप पिज्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो आप ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं जस्ट गिव इट अ गुड मेक्स एड अ पेंच ऑफ टर्मरिक टू इट एंड लेट इट बॉयल फॉर सब थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स एंड द ओट्स इज रेडी टू बी कंज्यूम इसके अंदर इतनी सारी वेजिटेबल ग्रीन्स और ओट्स हैं दैट दिस विल मेक यू फील फुल फॉर लौंगा एंड इट इज वेरी हेल्दी एंड इज वेरी वेरी टेस्टी do try this recipe i'm sure you are going to love this variety of the oats and it is very easy to make and it comes in very handy if you do not want to eat the normal basic oats Chali ab banate hai meri favorite oats recipe इसको बनाने के लिए हमको चाहिए एक बाउल उसमें हम डालेंगे हाफ कप ऑफ ओट्स वन टीस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर यहां पे मैंने लिया हर्शीज का अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी जस्ट मिक्स द्राई इंग्रेडिएंट्स, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ कप ऑफ कर्ड हाफ कप ऑफ मिल्क इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ मैश्ड बनाना इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करिए जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिया सीड्स एंड सम चॉप्ड नट्स ऑफ योर चॉइस जस्ट ड्रिजल सम हनी ऑन इट एंड मिक्स इट वेल क्योंकि हमने इसको कुक नहीं करा है हम इसको ऐसे ही रेस्ट करने देंगे फ्रिज के अंदर ओवरनाइट सो वी आर जस्ट गोइंग टू कवर इट एंड कीप इट इन आर फ्रिज सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी जस्ट रेडी वाओ इज इट लुकिंग रियली अमेजिंग अगर ऐसे ओट्स रोज मिले तो फिर कौन नहीं खाना पसंद करेगा See this. Look at the texture. Just add some nuts to it for the crunch. It is completely optional, but you will just love it. This is really, really amazing, and you will just love it. Do try this recipe and give me your feedback on the comment section below. Thank you. Bye bye.